दोस्तों, अभी मैं पटना में ग्रेजुएट चाय वाले के पास आया हूं और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका क्या इंस्पिरेशन है, ठीक है, और यूथ के लिए उनके पास क्या मैसेज है, वो यूथ को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा करके बिहार में तो बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उनका क्या मैसेज है यूथ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ास के बिहार में बिहार के बच्चों के पास सिर्फ सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको जॉब कहीं पे नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और उनसे जानना चाहता हूँ कि वो भी एक ग्रेजुएट है और उनका क्या इंस्पिरेशन है, किस तरीके से ये आइडिया उनके माइंड में आया और इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, ठीक है। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या उनका इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए, चलिए जानते हैं उनसे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनसे। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल ये है, ऐसे तो सब लोग जानते हैं, अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, तो आप कैसे खोले, क्या खोले, कहाँ पे है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप उन यूथ को, आई थिंक उन युवाओं को कैसे मोटिवेट करेंगे जो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ठीक है, वो रोज़गार ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपने लाइफ में कुछ रोज़गार पा सकें। हम ये नहीं बोल रहे कि सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और चाय का दुकान लगा लो, नहीं, ठीक है, जो बच्चे एकदम मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, अगर तुम में जुनून है, लगता है कि हाँ तुम वो कर लोगे, तो मत छोड़ो प्रिपरेशन, लगे रहो। अगर तुम मतलब वो प्रिपरेशन बिना मन के कर रहे हो, बस इसी तरह किए जा रहे हो, भागे जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, कभी रिजल्ट नहीं आने वाला। मेरे साथ यही था कि बैंक एग्ज़ाम हमको करना ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती किए, फिर 2 साल के बाद समझ में आ गया होने नहीं वाला इसमें कुछ, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और मेरा था कि शुरू से ही मुझे खुद का कुछ करना है, तो इसीलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। हम यही बोलना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर एज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो किसी पर डिपेंड होना क्यों, ना गवर्नमेंट पर डिपेंड रहो, ना मम्मी पापा पे, एक एज आ जाती है जहाँ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। किसी को ब्लेम मत कीजिए, बहाने मत बनाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि उधर नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा रास्ता चूज़ कर लो करियर बनाने के लिए। तो ऐसा कई बार होता है ना कि युवा कई बार सोचते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन कई बार फेल होने के डर से वो कर नहीं पाते हैं, तो वो कैसे मतलब हिम्मत जुटाएंगे और वो काम को कर पाएंगे। देखिए, दो ही रीज़न होता है किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करने का, एक तो फेलियर का डर होता है और दूसरा होता है लोग क्या कहेगा, क्या होगा, नहीं होगा, जो भी है। तो मतलब अगर पहले से ही रिजल्ट सोच लोगे, सोचना क्यों, आइडिया एक दिमाग में आया है, उसको स्टार्ट तो करो। बहुत लोग के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उस ज़िंदगी भर वो सोचते ही नहीं जाते, कुछ करते नहीं है। मेन स्टेप होता है स्टार्ट करना। फेलियर का डर ही क्यों यार, अगर ठीक है चल गया तो चल गया, फेल हो गया तो उससे कुछ सीख लेंगे ना, कम से कम बेरोज़गार तो नहीं बैठे रहोगे ना, कोशिश तो करोगे ना कुछ ना कुछ। तो और लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, तो सोचो हिम्मत, जब तक तुम खुद पर डिपेंड नहीं रहोगे कोई लोग काम नहीं आने वाला। यही लोग जो आज बोल रहे हैं ना, कल को तुम कुछ अगर बन जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। तो इसीलिए कहना कि ना फेलियर के बारे में सोचना चाहिए, ना लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचना चाहिए, मेन होता है स्टेप लेना, एक स्टेप अगर बढ़ाओगे तो सब कुछ अपने आप हो जाए। जी बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि एज यू नो वेरी वेल, आई थिंक दिस डेज डिस्ट्रैक्शन इज एवरीवेयर एंड इट इज़ मेन इश्यूज फॉर अ स्टूडेंट, दे डिस्ट्रैक्ट एवरीवेयर, ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर स्टडी। सो हाउ कैन आई सेव आवर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड वी कैन फोकस ऑन आवर सेल्फ स्टडी। देखिए, आजकल का जो हमारा फोकस होता है ना, छोटा होता जा रहा है, स्पैन उसका बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न सोशल मीडिया भी है। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम रील्स 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के, तो हम लोगों का ना ऐसा आदत बिगाड़ दिया है इन रील्स ने कि हम लोग 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट से ज़्यादा कहीं होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। आदत हो गई है ना, जैसे अगर किसी बच्चे के सामने 5 से 10 मिनट का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे दिया जाएगा, वो नहीं देखेगा, एक मिनट में उसका मन भर जाएगा। लेकिन वही बच्चा 10 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड की रील्स पे 2 घंटे बिता देगा,
है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ हमारा फोकस कम होता जा रहा है, पहले जैसा फोकस नहीं रह गया। सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूर रहिए ना, एक दो साल तीन साल दूर ही रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। फोकस बनाओ, मेडिटेशन करो और देखो, मतलब जो बच्चा का लक्ष्य क्लियर है ना, सपना है कि कुछ करना है, वो डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। अगर उसको बस ऐवे ही पढ़ा जा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसी तरह प्रिपरेशन किया जा रहा है, वो तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही ना। पहले से लक्ष्य क्लियर है तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो आपका कहना है कि गोल डिसाइड होना चाहिए पहले से, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता है उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप ये टी स्टॉल ओपनिंग करने से पहले आपके मन में ये सवाल आता था कि बाय द वे खोलते तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर अब ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये सब सवाल आपके मन में आता था क्या? नहीं, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज़ था कि हमको ये करना है, तो बस मेरे दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था, लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, बस एक ही चीज़ था कि करना है, दैट मीन्स करना है, बस यही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो फेलियर भी आएगा तो अपने आप को संभाल सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए, सारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।